हेलो दोस्तों, टेक्स प्लस एप्लीकेशन के अंदर समथिंग वेंट रॉन्ग एरर आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो वो मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन है इसको ऑन करिए, और इस रिलेटेड और भी वीडियो मेरे चैनल पर है तो मैं इसको इन स्क्रीन पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप वॉच कर लेना। थैंक यू। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको आपका फ़ोन में जो प्ले स्टोर है आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे सुपर वीपीएन इसका आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक करके आपको ये वीपीएन को कनेक्ट करना है, फिर आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद आपका फ़ोन में होम स्क्रीन पर आना है, फिर आपको आपको यहाँ पे सेटिंग्स पर जाना है, और सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, फिर सिम कार्ड पर आपको जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सिम को सेलेक्ट करना है, और सिम को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वोल्ट इसको ऑफ करना है, फिर से ऑन करना है, उसके बाद परफॉर्मेंस नेटवर्क टाइप पर जाना है, उसके बाद आपको LTE इसको सेलेक्ट करके रखना है, फिर आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर जाना है, और एक्सेस पॉइंट नेम पर जाने के बाद रिसेट पर क्लिक करके आपको जो एप है इसको रिसेट करना है, फिर आपको फ़ोन आपको होम स्क्रीन पर आना है, और आपको फ़ोन में आपको फिर कनेक्टिविटी एंड शेयरिंग पर जाना है, फिर आपको यहाँ पे एरोप्लेन मोड को ऑन करना है, और फिर से आपको इसको ऑफ करना है, और एक आने के बाद आपका फ़ोन में आपको होम स्क्रीन पर चला आना है, और यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है, और आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स पर जाना है, और सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस पर जाना है, फिर ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस पर आपको जाना है, और आपको यहाँ इसको एक्स मी एवरी टाइम इसको सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है, और एक आने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स पर जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ पे डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स इसको सिलेक्ट करके रखना है, फिर बैक आना है, फिर ऑटो प्ले वीडियो पर जाना है, फिर इसको डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो इसको सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ से तो गाइस इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगी, तो इसके लिए आपको टेक्स प्लस ऐप का आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पे ऐप इन्फो पर जाना है, और ऐप इन्फो पर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डाटा पर जाना है, फिर आपको क्लियर कैच करना है, फिर ओके करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप परमिशन में जाना है, फिर आपको यहाँ पे कैमरा पर जाना है, फिर आपको इसको अलाउ करना है। तो अगर अभी तक आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है इसको ऑन कर दो, अगर कोई डाउट है तो जानकारी है तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू। और सारे यहाँ पे लोकेशन को आपको अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पे आदर्श परमिशन में जाना है, और आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को आपको यहाँ से ऑलवेज अलाउ करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है, फिर आपको हमें रिस्टेक डाटा यूजर्स पर जाना है, और आपको यहाँ पे दोनों का आपको ऑन करा करके रखना है, फिर ओके करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पर आना है, फिर आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स प्लस ऐप को आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद अगर आपको यहाँ पे अपडेट शो होगा तो आपको इसको अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसके इन स्क्रीन में मैं दूसरे वीडियो आप दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो, तो ज़रूर आप इन स्क्रीन का वीडियो ज़रूर आप देख लेना। थैंक यू।